बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल आया है। दरअसल बिहार कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में जल्द बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने भरत सिंह के बयान को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 19 विधायकों में से 11 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, मगर चुनाव जीत गए, ये लोग पैसा देकर टिकट खरीदे और अब विधायक बन गए। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी ऐसे लोगों में शामिल है जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जो 11 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, उन सब के मार्गदर्शक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह हैं। राज्यपाल कोटे से अभी MLC का नॉमिनेशन होना है। सदानंद सिंह और मदन मोहन झा MLC बनने के फिराक में हैं। उन्होंने इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस हाईकमान से गुजारिश की थी कि उन्हें बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने शक्ति सिंह गोहिल को बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया था और पार्टी की ओर से जारी पत्र के अनुसार गोहिल की जगह भक्तम चरण दास को बिहार का कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है।